हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिफरेंट टाइप का वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैंने कास्ट आयरन फ्राई पैन का रिव्यू किया है। और ये बहुत ही अच्छा होता है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन आयरन का बना रहता है और हेल्थ के लिए आयरन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप आयरन में खाना बनाओगे तो आपको बॉडी में आयरन भरपूर मात्रा में जाएगा। और ये कास्ट आयरन का पैन बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। इसका जो मैंने मंगवाया है फ्राई पैन, तो मैंने ये फ्राई पैन पर्सनल मंगवाया है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। मैंने ही पर्सनली अमेजन से मंगवाया है, मैंने सोचा कि इसका रिव्यू कर दूँ। तो ये विनोद ब्रांड का ये है फ्राई पैन, कास्ट आयरन का फ्राई पैन है और प्री सीजनिंग किया हुआ है, यानी प्री सीजन ये है, पहले से सीजनिंग किया हुआ है। और ये लाइफ टाइम वारंटी इसमें मिलता है और फ्री सेफ्टी स्लीव इसमें मिलता है। और ये 22 सेंटीमीटर का है, जो कास्ट आयरन का फ्राई पैन है ना, 22 सेंटीमीटर का है फ्रेंड्स। अब इसको मैं उल्टा करके दिखा देती हूँ। 2300 का है, जो मैंने कम में ख़रीदा है, डिस्काउंट पे ख़रीदा है, इसको मैंने दिखा दिया है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है फ्लक्चुएट करते रहता है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना, आप अगर कास्ट आयरन में खाना बनाते हैं डेली, तो आपको थोड़ा थोड़ा आयरन तो अंदर बॉडी के अंदर जाएगा ही, यानी आपको हेल्दी कुकिंग होगा और हेल्दी खाना खाएंगे। अगर आपको ये पैन लेना है तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप ले सकते हैं। देखिए सेफ्टी स्लीव ये है फ्रेंड, जिसको मैंने बताया था कि डब्बे में है। अब इसको खोल कर दिखाती हूँ। इस सेफ्टी स्लीव को हैंडल में लगाया जाता है फ्रेंड्स। हैंडल भी देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा है, ये हैंडल भी ठीक है। और इसको इस तरह से हैंडल में लगाया जाता है और इसको होल में जो पतला वाला पार्ट है ना, इसको डाल करके और यहाँ इधर चिपका दीजिए, बस हो गया। आप ये आप कुक कर सकते हैं, कोई भी जलने का डर नहीं है, आप कोई भी कपड़ा से पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से कुक कर सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ का है फ्रेंड्स, जो फ्राई पैन मैंने लिया है वो इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं और गैस पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये बिल्कुल ये नीचे से फ्लैट है। आप देखिए बिल्कुल मैं दिखा दे रही हूँ। और इसमें कुछ भी जैसे कटलेट है और सब्जी भी बना सकते हैं, बहुत चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और इसमें आप चीला भी बना सकते हैं, बहुत चीज़ बन सकता है। और जो आयरन का ये, क्योंकि आयरन का बना हुआ है तो कुक करेंगे तो आपको हेल्दी कुकिंग होगा। और नॉन स्टिक इसमें कोटिंग भी नहीं है, क्योंकि नॉन स्टिक में कोई केमिकल से कोटिंग रहता है। अब मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने दिखा दिया इसको, अब मैं इसके अंदर क्या क्या और है जो मैं दिखा देती हूँ। कास्ट आयरन का मैं कढ़ाई भी बहुत दिन से मैं सर्च कर रही थी फ्रेंड्स, और मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप इस ब्रांड का ले सकते हो, तो मैंने ले लिया कढ़ाई और उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसको रीसीजनिंग कैसे किया जाता है। ये वारंटी कार्ड है। मैं कास्ट आयरन कढ़ाई का दिखा देती हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मैंने बताया आगे। और ये मैं इस कढ़ाई में 2 महीने से सब्जी कुक कर रही हूँ, बहुत अच्छा कुक होता है और बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी भी बनता है। और ये मैं बनाते बनाते मैं देख रही हूँ कि चिकना होते जा रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा सा रफ था लेकिन अब बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल चिकना हो चुका है। और इसको मैं धो करके और उसको सुखा देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ और उसको गर्म कर लेती हूँ और रख देती हूँ। बहुत अच्छा रहता है और बनाने में भी बहुत ईजी है, उसको धोने में भी बहुत ईजी है। तो देख सकते हैं मैंने एक फ्राई पैन जिसको मैंने विनोद ब्रांड का मंगाया है और एक रॉक ब्रांड का कढ़ाई। अब मैं दिखा इसको डिटेल से दिखा देती हूँ, फ्राई पैन को कैसे धोना है और इसको सीजनिंग कैसे करेंगे। तो मैं इसको धोने के लिए ले चलती हूँ, तो मैं सिंक में लेके जा रही हूँ और इसको सिंक में थोड़ा सा लिक्विड मैं सोप डाल देती हूँ, आप कोई भी सोप से धो सकते हैं। मैं थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल दिया मैंने, थोड़ा सा पानी, और इसको ब्रश से रगड़ेंगे, और कोई भी ब्रश से रगड़ सकते हैं, आयरन का भी ब्रश से रगड़ सकते हैं, जैसे जो मेटल का ब्रश होता है ना उससे भी रगड़ सकते हैं। तो मैं इस तरह से स्क्रॉच ब्रेड का ब्रश से रगड़ रही हूँ और देख सकते हैं मैं एक हैंड से, मतलब एक हाथ से मैं इसको हैंडल कर रही हूँ। तो हेवी तो है लेकिन आप एक हाथ से भी हैंडल कर सकते हो इसको, इसको रगड़ करके इसको साफ़ कर लेंगे, हैंडल वगैरह सबको साफ़ करेंगे, क्योंकि कोई भी नया बर्तन लाते हो ना तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैंने क्लीन कर लिया, अब इसको धो लेंगे, तो पानी से इसको अच्छी तरह से रगड़ के धो लेंगे, बिल्कुल सारे हैंडल वगैरह सबको धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका, अब देखने से लग रहा है कि नॉन स्टिक है, देखिए ये बिल्कुल नॉन स्टिक से कोट नहीं है, क्योंकि नॉन स्टिक जो कढ़ाई रहता है बिल्कुल केमिकल से कोटेड रहता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब इसको मैंने गैस पे रख दिया है और इसको मैंने गैस ऑन नहीं किया, अब टॉवल से या कोई कपड़ा से या टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। तो मैं टॉवल से पोंछ दे रही हूँ, सारे पानी को पोंछ लेंगे,
इससे क्या होगा ना, आपको जंग नहीं लगेगा और बहुत ही दिनों तक अच्छा रहेगा ये। अब इसका मैंने गैस ऑन कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ लो फ्लेम पे, और उसके बाद थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसको चारों मतलब पूरे पैन में लगा देंगे। कढ़ाई को सीनिंग कर रहे हैं तो कढ़ाई को कर दीजिए। तो मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया, चारों कॉर्नर के इस तरह से मोड़ लेंगे, और उसको चारों कॉर्नर को जो मोड़ा है ना उसको पकड़ करके और उसी से पूरे में तेल लगा देंगे। आप टिश्यू पेपर को भी ऐसे फोल्ड करके लगा सकते हैं, तो आप किसी चीज़ से या ब्रश से लगा दीजिए। इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें चारों तरफ मैंने लगा दिया, हैंडल में भी, अब नीचे भी इसी तरीके से मैं लगा दूंगी। कास्ट आयरन को थोड़ा सा केयर करके अच्छा से रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत दिनों तक चलता है, और ये कहा जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चलता है, और बहुत दिनों तक ये बहुत अच्छा बना रहता है। आप इस तरह से करके रखिए, बहुत ही आपका जो कढ़ाई या पैन है जो बहुत अच्छे से रहेगा। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे। धुआं आ चुका है, यानी समझिए ये सीजनिंग हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेंगे या गैस बंद कर देंगे। तो लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ठंडा करके गैस ऑन कर दिया है। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा बना करके दिखा रही हूँ पैनकेक। तो मैंने गेहूं के आटे में पानी और चीनी डाल दिया है, और उसको घोल करके मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है, ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनेगा, या चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो मैंने जैसे सीजनिंग करके बनाया है, अब बिना सीजनिंग के साफ करके आप इसको बना सकते हैं। कि विनोद ब्रांड का जो कास्ट आयरन का बर्तन रहता है ना, उसको पहले से सीजनिंग किया हुआ रहता है, यानी प्री सीजन रहता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी पक जाए। आप इसमें कोई कटलेट या कुछ भी फ्राई कर सकते हैं, या कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अब इसका मैंने ढक्कन हटा लिया है, अब इसको स्पैचुला से हटा देंगे। आप जैसे मैंने लिया है सिलिकॉन का स्पैचुला, आप मेटल का भी स्पैचुला से इसको निकाल सकते हैं, यानी इसमें यूज कर सकते हैं। अब दोनों तरफ से इसको पलट पलट के पका लेंगे, और उसके बाद निकाल लेंगे इसको। ये हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ कि 2-3 बूंद इसमें तेल या घी डाल करके बनाएंगे तो क्या होगा। तो मैं 2-3 बूंद घी दे दी हूँ, आप तेल भी दे सकते हैं। अब इसको मैं स्पैचुला से इसको फैला देती हूँ। अब इसमें जो बटर है उसमें डाल देंगे, यानी पैनकेक को फैला देंगे। तो सेम तरीके से इसको फैला करके और इसको कवर करके पकाएंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये इस तरह से पैनकेक का भी रेसिपी आपको मिल गया, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अब मैं कवर को हटा देती हूँ, अब इसको छुड़ाती हूँ, इसको पलट लेती हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा तेल मैंने डाला है, तो बहुत अच्छा से ये पलट चुका है। आप इसको पकाएंगे ना, बहुत ही चिकना हो जाएगा, बिल्कुल नॉन स्टिक जैसा हो जाएगा। और तो कुकिंग करेंगे तो हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है ही इसमें। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, मैंने इसका रिव्यू दे दिया है। आपको अगर पसंद आया तो आप इसका ले सकते हैं इसको। अब मैं इसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।